योजनाओं का लाभ उठा रहे किसान। भारत में हरियाणा को एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर जाना जाता है। यहाँ किसानों के लिए खेती किसानी को और भी ज्यादा किफायती और टिकाऊ बनाने के लिए कई कृषि योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशरूम की इकाई लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है, लेकिन कई बार सही से ध्यान नहीं देने पर किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए शुरू से ही कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल जाता है, वहीं सरकार भी इसके लिए किसानों की मदद कर रही है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। किसानों को मशरूम की इकाई लगाने का सुनहरा अवसर देते हुए हरियाणा सरकार समय समय पर किसानों के लिए योजना बनाती है और किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी हर संभव मदद भी की जाती है और कृषि विभाग के मार्गदर्शन में काम करने वाले किसान बन जाते हैं प्रगतिशील किसान। ऐसे किसानों को हरियाणा सरकार प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए 40% तक अनुदान भी दे रही है, जो किसान सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर प्रगतिशील किसान बन रहे हैं उन्हीं में से एक है फतेहाबाद जिले के प्रगतिशील किसान अवतार सिंह। अवतार सिंह बने प्रगतिशील किसान। प्रगतिशील किसान अवतार सिंह फतेहाबाद जिले के गांव अंकावाली के रहने वाले हैं। किसान अवतार सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाया, अपनी 2 एकड़ जमीन पर मशरूम की खेती करना शुरू किया, जिससे न केवल उन्हें खेती में सफलता मिली बल्कि उन्होंने जल बचाने की मुहिम को भी आगे बढ़ाया। कामयाब किसान अवतार सिंह आप इस खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और मैं गांव अक्कावाली का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहाबाद है। मैं पहले गेहूं और धान की खेती करता था, उसमें इतना मुनाफा नहीं था। किसान अवतार सिंह का कहना है कि वो पहले गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलें अपनी खेती में उगाया करते थे, जिसमें उन्हें कोई खास मुनाफा नहीं होता था और अब उनका अच्छा काम चल रहा है। किसान अवतार सिंह का कहना है कि इस फसल को लगाने के बाद 2.5 से 3 गुना मुनाफा ज्यादा हो रहा है। किसान अवतार सिंह ने बताया कि उन्होंने साल 2018 में मशरूम का काम शुरू किया था। जब इस काम में मुनाफा मिला तो उन्होंने इसे और ज्यादा बढ़ा लिया। मशरूम मैंने 2018 में शुरू किया था, तो पहले मैंने 4 झोपड़ी का काम किया, फिर को अच्छा मुनाफा मिला और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया काम। काम अच्छा चलने लगा, मुनाफा भी अच्छा हुआ, लेकिन किसान अवतार सिंह का कहना है कि इस दौरान उन्हें कंपोस्ट खाद तैयार करने में परेशानी हुई, तो हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग ने उनकी मदद की। किसान अवतार सिंह का कहना है कि बागवानी विभाग ने उन्हें कंपोस्ट की एक यूनिट ही दे दी, जिसके बाद कंपोस्ट की उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरे को ये लगा कि मेरे को कंपोस्ट बनाने में दिक्कत है, फिर मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों से मिला तो उन्होंने क्या किया जी, मेरे को एक कंपोस्ट की यूनिट दे दी, तो मैंने एक यूनिट लगाई। अभी लगाने के बाद मेरे को अब कंपोस्ट की कोई दिक्कत नहीं। प्रगतिशील किसान अवतार सिंह का कहना है कि मशरूम की खेती में उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उनके पास 10,000 बैग का काम था और अब ये बढ़कर 35,000 बैग तक पहुंच गया है। किसान अवतार सिंह के काम में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं मुनाफा भी लगातार कई गुना बढ़ रहा है। तो इसमें अच्छा मुनाफा है, मैंने 2-4 शेड से अभी 10 शेड लगा लिए हैं। पहले मेरे पास
10,000 बैग का काम था, अभी मेरे पास 35,000 बैग का काम है और इसको लगातार बढ़ा रहा हूँ। मार्केट भी अच्छी मिल रही है और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें काम करने। किसान अवतार सिंह का कहना है कि कोई भी परंपरागत फसल अगर करते हैं तो उसमें करीब 6 महीने एक फसल में निकल जाते हैं, मेहनत और लागत भी ज्यादा होती है। वहीं परंपरागत फसल में कोई खास फायदा भी नहीं होता, तो वहीं मशरूम की खेती में 2.5 महीने में ही फायदा हो जाता है। साथ ही उन्होंने बाकी किसानों से भी मशरूम की खेती करने की अपील की है। धान और गेहूं करते हैं तो उसमें कम से कम 6 महीने निकल जाते हैं फार्मर के, इसमें 2.5 महीने में प्रॉफिट निकल आता है। मैं तो अपने किसान भाइयों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर किसी ने काम शुरू करना है तो मशरूम का काम बढ़िया करे, अच्छा करे और अच्छा कमाए, अच्छा खाए। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान अवतार सिंह ने बागवानी विभाग का भी सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। और मैं अपने हॉर्टिकल्चर विभाग वालों का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इस लैंड में लेके आए और मेरे को फुल सपोर्ट किया और जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मशरूम की खेती में जरूरी है कंपोस्ट। मशरूम की खेती से कोई भी किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। मशरूम की खेती एक कमरे में भी की जा सकती है। 3-4 महीने की फसल में बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। बस बुआई से लेकर कटाई तक कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मशरूम की खेती की शुरुआत सितंबर महीने से की जाती है। सबसे पहला काम कंपोस्ट बनाने का होता है। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया 28 दिनों की होती है। 28 दिन में 8 बार भूसे को पलटना होता है और हर बार कुछ ना कुछ यूरिया या डीएपी जैसा खाद इसमें मिलाया जाता है। जिस तरह किसान अवतार सिंह ने भी बताया कि उन्हें कंपोस्ट खाद तैयार करने में पहले काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिले तो विभाग की तरफ से किसान अवतार सिंह की मदद की गई और कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक यूनिट दे दी गई, जिसके बाद अब किसान अवतार सिंह को कंपोस्ट तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होती। किसान अवतार सिंह की तरह अन्य किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान अवतार सिंह को किया जा चुका है सम्मानित। किसान अवतार सिंह को इस मुहिम के चलते सरकार और प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। सरकार के बागवानी विभाग द्वारा 40% की सब्सिडी भी किसान को दी जा रही है। किसान अवतार सिंह ने अन्य किसानों से भी इस तरह खेती में बदलाव को अपनाने की अपील की है। ऐसे ही अन्य किसान भी प्रगतिशील किसान अवतार सिंह से प्रेरणा लेकर और बागवानी विभाग से ट्रेनिंग लेकर मशरूम की खेती का काम शुरू कर सकते हैं और तगड़ी कमाई इसमें कर सकते हैं। तो आ गए, रो क्यों रही है?